मदन जी की रोटेट कर रही है, फोन कर रहा है उसमें सर जगह वो क्लीन करते हैं तो जैसे वो देख लो आप पता लग जाएगा। एक तो है सर तो बहुत तंगी कर लो हॉस्पिटल छोड़ के अम्बाला का एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल जो सिविल हॉस्पिटल आपने बनाया उसके अंदर आप अपना इलाज कराने हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सरकारी अस्पताल बहुत बेहतर अस्पताल है, सारी सुविधाएं हमने यहाँ पे मुहैया कराई है और बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर है यहाँ पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग सभी आए यहाँ पे? नहीं, मैं तो अपना दांत ठीक कराने आया हूँ। हरियाणा सर, हरियाणा में जो लापता है उनको लेके SOP 1 तैयार की जा रही है, इसमें क्या देखें? देखिए हम बहुत फ्रंट्स पर काम कर रहे हैं, अलग अलग मैंने टीमें बनाई हैं, तो ये भी एक समस्या हमारे सामने आती थी कि बच्चे लापता हो जाते थे या बड़े लापता हो जाते थे, तो उसके लिए हमने सब जगह पर टीमें बनाई हैं और बहुत अच्छा उसका नतीजा है, बहुत अच्छी मात्रा में हमने उनको रिकवर करा है और बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवाया। तो कोई स्पेशल इसके लिए अलग से थाने टास्क फोर्स बना? अभी सर हुड्डा साहब का कहना है कि भाजपा जजपा घोटालों की सरकार का नाम दिया उन्होंने हरियाणा की। बात यह है कि हुड्डा साहब बताए तो सही कि कौन सा घोटाला हुआ, सिर्फ ऐसे ठीक है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, देश में प्रजातंत्र है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है जो मर्जी बोली जाओ। आप बताओ कौन सा घोटाला हुआ है, और जहाँ अगर कोई कहीं गलती हुई है तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई, जहाँ मैं फिर कांग्रेस के गुटा देंगे ना। तो केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को अब भ्रष्टाचार से मुक्त करने जा रहे हैं और जल्दी इसके लिए अभियान चलें। दिल्ली के लोग दिल्ली को केजरीवाल से मुक्त करने जा रहे हैं, अब केजरीवाल का गुब्बारा फूट चुका है, सारे इसकी असलियत जान चुके हैं। चलो मोदी हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाव के नीचे रखा है, जितनी आज़ादी मुसलमानों को हिंदुस्तान में है उतनी तो किसी मुस्लिम देश में भी नहीं है, और महबूबा मुफ्ती ये बात हिंदुस्तान में बैठ के कह सकती है, अगर इसने देखना है तो किसी मुस्लिम देश में जाके देखे ना कि क्या हालत है वहां पर। हमारे यहाँ पर तो सबको समान रूप से आजादी दी हुई है और सब उसको समान रूप से उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए? हाँ नहीं, कई प्रकार के ऐसे एलिमेंट जो भारत जोड़ो के नारे भी लगाते हैं वो भी उसमें शामिल हुए हैं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता इसमें। तो हिमाचल के मतदान हो चुके हैं, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में थंपिंग मेजोरिटी से जीतेगी।